वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट न्यूज लेकर आई हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, गुरु दक्षिणा डीमार्स दिमानी लाइकली टू मैनेज झुंझुनवाला ट्रस्ट। मतलब जो दिमानी जी हैं उन्होंने झुंझुनवाला के जो ट्रस्ट को मैनेज करने का फैसला किया है। जैसे कि आप देख रहे हो ट्रस्ट इन गुरुज नेम द दिमानी कुड मैनेज बिग बुल्स एस्टेट। ठीक है, उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कुछ स्टॉक्स हैं जो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं तीन। एक तो है टाइटन कंपनी है जिसका आप शेयर प्राइस देख रहे हो 2529 तक पहुंच गया है, जो कि थोड़े दिन पहले गिरा हुआ था गाइस। तो बहुत अच्छा स्टॉक है और इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट करी हुई कम से कम 11,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर दमानी साहब जी की। और उसी के साथ साथ अगर दमानी जो इसमें ट्रस्ट को मैनेज करने के लिए आते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट तो है ही इनकी, तो बहुत बड़ा फायदा होगा टाइटन कंपनी को। वही टाटा मोटर्स शेयर उसके अंदर भी आप देख सकते हो 4,6675 टाटा मोटर्स में भी 1,700 करोड़ समथिंग की इन्वेस्टमेंट है धमानी जी की। ठीक है गाइस, उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। वही मेट्रो ब्रांड्स भी बहुत अच्छा स्टॉक है जिसके अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट पता चलती है हम लोगों को। ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है गाइस। अभी मैं आपको एक चीज न्यूज़ और दिखा देती हूँ। राधा कृष्ण धमानी एंड एज इन्वेस्टर एक्सपेक्टेड टू बिकम द मेन ट्रस्टी ऑफ द एसेट ओन बाय राकेश झुंझुनवाला। मतलब राधा कृष्ण जी को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो राकेश झुंझुनवाला के ट्रस्ट को मैनेज करें, ओन करें। अकॉर्डिंग टू मीडिया झुंझुनवाला हु डाइड ऑन August 14, जैसे कि आपको पता है 14 अगस्त को उनकी डेथ हो गई थी झुंझुनवाला जी की, एंड कंसिडर धमानी एज हिज गुरु। तो अब धमानी जी को एक एज अ गुरु के रूप में देखा जा रहा है। अलॉन्ग विद धमानी उनके साथ साथ और भी दो लोग हैं, एक तो कल्पराज जी हैं, कमल पारेख हैं, अदर टू ट्रस्टीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स धमानी विल बिकम द 48th richest person in India as his wealth is expected to touch $5.8 billion। तो आप समझ सकते हो कि जो richest 48% में धमानी जी भी काउंट होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनको मतलब कहा जा रहा है कि वो उसको झुंझुनवाला जी के ट्रस्ट को मैनेज करें, उसको ओन करें। वहीं हिज लिस्टेड होल्डिंग वैल्यू अराउंड 30,000 करोड़ एट करंट प्राइसेस। ठीक है, अभी करंट प्राइसेस में आप देख सकते हो 30,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है। द 68-year-old विल नाउ हैव अ फाइनल से इन ऑल हिज लिस्टेड इन्वेस्टमेंट, सेड अ मनी कंट्रोल रिपोर्ट ऑन मंडे। ठीक है राइट, रेयर एंटरप्राइज झुंझुनवाला इन्वेस्टमेंट फर्म विल कंटिन्यू टू बी मैनेज बाय उत्पल सेठ एंड अमित गोयल। गोयल हैड बीन झुंझुनवाला राइट हैंड, जैसे कि आपको पता है, इन मैनेजिंग द ट्रेड बुक ऑफ द फर्म, व्हाइल सेठ हेल्प इन हिज इन्वेस्टमेंट मेनली प्राइवेट इक्विटी। तो गाइस इसमें बताया जा रहा है कि जो उत्पल जी थे, उत्पल जी सेठ, और जो अमित गोयल थे, गोयल जो थे वो झुंझुनवाला के राइट हैंड थे, और हम जो सेठ जी थे वो सारे इक्विटी इन्वेस्टमेंट ये सब मैनेज करते थे, उसको देखते थे, उसमें हेल्प करते थे। तो गाइस जैसे कि रिगार्डिंग आपने यह न्यूज़ दे रखी है, आप खुद मतलब आपको खुद पर पता चल रहा है, आपने पढ़ा भी होगा उनके बारे में गाइस। उसी के साथ साथ कुछ स्टॉक्स जैसे कि मैंने कहा, एक तो टाइटन हो गया, टाटा मोटर हो गया, मेट्रो ब्रांड हो गया, जो कि जब धमानी जी आते हैं झुंझुनवाला जी के ट्रस्ट को ओन करते हैं, तो इन तीन टाटा के जो कंपनियां हैं इनको बहुत फायदा होने वाला है। एक तो टाइटन और टाटा कंपनी हो गई, टाइटन की, और एक मेट्रो ब्रांड हो गया। वही टाटा की ये कंपनी एक और है टाटा मोटर्स, जो कि 29 रुपये तक पहुँच चुकी है। और गाइस अभी थोड़ी सी मैं इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन जैसे ही ये जब ओन करेंगे ट्रस्ट को, तो वैसे ही ये स्टॉक्स ही बहुत जल्दी ही भागेंगे। तो एक तरीके से लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स हैं, बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट अपने बिहाफ पे करना है गाइस, स्टडी करके इसकी मैं आपको बोलती हूँ इन्वेस्ट करें। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये लेटेस्ट न्यूज़ समझ में आई होगी गुरु दक्षिणा वाली डिमांड धीमानी जी की। तो वीडियो को ऐसे में आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो लाते रहूँ, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गुड बाय गाइस, थैंक यू।